तो वो भी पिज्जा में कम डाल रहे हैं कम डाल रहे वहाँ बहुत ज्यादा महंगाई, और हमारे यहाँ तो है ही नहीं महंगाई, कहाँ है हमारे तो पता ही नहीं चलती। अच्छा, 10 की टीम आप लोगों की स्क्रीन्स पर आएगी, तो अब खैर मार्केट्स के मूड के लिहाज से तो वैसे भी बहुत ज्यादा हम लोग नहीं जाते, पर हाँ इक्का दुक्का सेल होंगे, बाकी सेल मतलब लाल वाले, बाकी सब मानता हूँ वो स्टॉक से जो इन ग्रीन होपफुली ट्रेड करना चाहिए। पहला तो वो तो क्या जमीन टच, पहला तो जो है ना ITC से शुरू कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने पहले ही अब ये कैसा रिएक्शन आएगा कहना बड़ा मुश्किल है, पर ITC के नंबर्स का आकलन करो। नीचे रिएक्शन तो नहीं आएगा, पता नहीं ITC का चार्ट खड़ा करिएगा जरा, 14 दिन हाँ झुकेगा नहीं ऐसा पता नहीं, मानना मुश्किल है। ये ITC महीने भर का चार्ट ला सकते हैं डॉक्टर साहब, तो दिखेगा कि ITC पिछले कुछ बाजार को पता नहीं कैसे आइडिया लग जाता है, पता नहीं चार्ट में दिखता है क्या दिखता है, ऐसी तेजी तानी हुई है कि ITC में रिजल्ट से पहले, तो वो थोड़ा सा एक इशू हो जाता है। ये देखिए नहीं ये निफ्टी दिखा दिए भाई ITC की जगह, डॉक्टर साहब ITC तो ठीक है, ITC के नंबर्स अब आपकी स्क्रीन पर आते रहेंगे, सारे एक्सपेक्टेशंस को स्ट्रीट के जो है उसे बीट करते हुए ये नंबर्स हैं। अच्छी बात कि सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ जो बाजार बहुत, ये देखिए ITC पिछले कुछ दिनों का ट्रेंड क्या मूव आने शुरू है, रिजल्ट से पहले का ये मूव है, सारे ग्रीन कैंडल हैं, हाँ सारे ग्रीन कैंडल्स हैं और लगातार तेजी बनी है, तो बस एक ही एक वर्ड ऑफ कॉशन है, तो देखेंगे स्क्रीन पर, पर नंबर्स के लिहाज से आंकलन कर रहा हूं तो कुछ नहीं कह सकता, खराब भी कुछ नहीं है, सब अच्छे नंबर्स हैं, हर सेगमेंट ने अच्छा परफॉर्म करके दिया है। सिगरेट वॉल्यूम्स डबल डिजिट ग्रोथ क्लॉक करी है, जबकि स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन थी हायर सिंगल डिजिट के वॉल्यूम्स आएंगे, और डिविडेंड डोल आउट भी अच्छा खासा 5.25 रुपए का डिविडेंड डोल आउट कर दिया ITC ने। बजट में अच्छी खबर आ गई थी भाई, कोई टैक्स में टिंकरिंग नहीं करी गई, कोई छेड़छाड़ नहीं करी गई, अच्छा कोर से कोर परफॉर्मेंस जो ITC का वो अच्छा आ रहा है, बाकी बिजनेसेस बेहतर कर रहे हैं, और हम लोग हमेशा बोलते हैं ITC के वैल्यूएशंस अपने पीयर सेट से ज्यादा सपोर्टिव है, तो ITC वैसे ही रडार पर रखना था, पर बस ये जो अपमूव आ गया वो एक कंसर्न है, इसीलिए जरा देखिएगा, मुझे लगता है इवेंचुअली इस नंबर्स को ड्यूली रिस्पेक्ट करना चाहिए बाजार को। गॉडफ्रे फिलिप्स दूसरा, पर गॉडफ्रे फिलिप्स क्योंकि सारा मैंने कोर की बात करी ITC में, तो वो सिगरेट धंधा है, उस कोर में जो वॉल्यूम ग्रोथ डबल डिजिट क्लॉक करें उसके बाद मुझे लग रहा है आज बढ़िया रब ऑफ ITC से ज्यादा हो सकता है, ITC में वो पिछले दिनों की तेजी के बाद थोड़ी सी अनवाइंडिंग का प्रेशर आया उसके बाद चलना शुरू हो। गॉडफ्रे फिलिप्स लेकिन ऑफ हाइज बढ़िया ट्रेड कर रहा है, कोई सुगघाट नहीं थी ITC के नंबर्स की, 1400 रुपए प्लस के हाइज वाला स्टॉक 1100-1150 के जोन पर है, मुझे लगता है इस पे भी एक पॉजिटिव रब ऑफ आना चाहिए, सिर्फ इसीलिए इसको मेंशन कर रहा हूं। और फिर दो है रियल एस्टेट कंपनी, कल डील्स के अनाउंसमेंट, रियल एस्टेट में बहुत कुछ हो रहा है, और जिस तरह से कंपनीज अपने आप को पोजीशन कर रही हैं, लग रहा है कि वो लोग भी बिलीव कर रहे हैं कि ये जो अच्छा अंडरकरंट आया है, अच्छा डिमांड मोमेंटम आया है, इसके लेग्स और भी हैं। अच्छा, उसमें ब्रिगेड इंटरप्राइजेस के नंबर्स देखिए जो कल बाजार बंद होने के बाद आए, हालांकि ब्रिगेड का स्टॉक अपने साल के हाईज के आसपास खड़ा हुआ है, पहली बता रहा हूं, लेकिन नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग, आय में 43% का जंप, EBITDA 74% का उछाल, मार्जिन 500 बेसिस पॉइंट सुधरे, 21 करोड़ के घाटे के सामने 46 करोड़ का मुनाफा, और उसमें वन टाइम लॉस वगैरह सब एडजस्टमेंट्स कर रहा हूं मैं, मुझे उसके बाद भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लग रहा है, इसीलिए ब्रिगेड इंटरप्राइजेस को मेंशन कर रहा हूं। और क्योंकि मुंबई बेस्ड लिस्टेड कंपनीज ने कुछ डील वील स्टिच करना शुरू करी है, ये ज्योग्राफी बड़ी अट्रैक्टिव होती चली जा रही है, महिंद्रा लाइफ स्पेस को दिखाइए, महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स को स्क्रीन पर, कल इन्होंने कल्याण में, इनका एक प्रोजेक्ट था जब हमने KYC में चर्चा भी करी थी महिंद्रा लाइफ स्पेस के मैनेजमेंट से, कल उसका मेरे ख्याल से फेज 2 जो है वो लॉन्च कर दिया, कल्याण मुंबई के पास, दरअसल मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन का एक हिस्सा है, मुंबई के पास एक लोकैलिटी है, सबर्ब्स कह लीजिए, सबर्ब्स कहेंगे ना, तो वहां पे उसने एक और प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसको पहले प्रोजेक्ट को अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, इसीलिए स्टॉक को मेंशन कर रहा हूं। उपनगरीय इलाके, उपनगरीय